शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या है ये सब? हाँ, और ये सामान किसका है? पकड़ो इसे। ये सामान तुम्हारे भाई आदित्य का है, यश। ए, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये ढोल बाजे क्यों लेके आया हमारे घर में तू? हाँ, क्या मामा जी, इतना भी नहीं समझते आप? घर का वारिस आया है घर में। ये ढोल तो आप लोगों को 25 साल पहले बजाने चाहिए थे मामा जी, जब इस धरती पर मेरा अवतार हुआ था। तुमने हमें बचाया, हम पर एहसान किया, उसके लिए हम तुम्हें पहले भी थैंक यू कह चुके हैं, लेकिन हम लौट जाओ, हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है, हम कह रहे हैं निकल जाओ यहां से। सुरानी अंजलि ने क्या कहा? निकल यहां से, आउट। नानी जी देखिए ना, ये लोग आपके नाती को अपने घर से बाहर निकाल दो। 26 साल तो अपनी बेटी के बिना रह लिया, क्या बेचुप रहेंगे? हे, बड़ी दादी पर जबरदस्ती दबाव डाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे, तुम क्या तमाशा देख रहे हो यहां? चलो निकलो यहां से। समझ नहीं आती तुझे? चल निकल यहां से। गलती कर दी यश, तुझे मेरा खून नहीं निकालना चाहिए था। शायद तुझे मालूम नहीं कि मैं खून का बदला खून से लेता हूं। सुनाई नहीं देता तुझे? चल यहां से। हाँ,
हम आ गए आदित्य, अब तुम्हें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप कौन? हम यहां के नए डीएम हैं, मधु देवी। आपको जो नोटिस मिला है वो हमने ही प्रोसेस करवाया है। लेकिन आपने वो नोटिस भेजा ही क्यों हमें? इस वार्ड की सर्वे से पता चला है कि आपने ये जो अपना मकान बनाया है उसमें सरकारी जमीन का 2 फीट हिस्सा इस्तेमाल किया है। लेकिन मैडम, सिर्फ 2 फीट के लिए आप बुलडोजर चलवाने का नोटिस कैसे दे सकती है? और भी दिक्कतें हैं, अगर आपको भेजा हुआ नोटिस आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर हम चाहें तो आप लोगों को आज के आज बेघर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऐसा करने का पावर है। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? हमें क्या बिगाड़ा है आपका? क्योंकि आप लोग हमारे दोस्त प्रिया के बेटे आदित्य को जबरदस्ती इस घर से बाहर निकाल रहे हैं। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो सरासर दादागिरी आपकी। आपको भले ये दादागिरी लगे लेकिन हमारे लिए ये हमारे आदित्य की हक की लड़ाई है। डीएम होने के नाते कानूनी लड़ाई भी। आपका ये जो कंस्ट्रक्शन है ना वो इलीगल है, इसलिए इसे तोड़ना तो पड़ेगा ही। अब आप सोच लीजिए, अगर आदित्य को इस घर से बाहर निकाला तो आप लोग भी इस घर से बाहर होंगे। जब हम इसे इस घर का बेटा मानते ही नहीं है तो इसे इस घर में रखने का मतलब क्या हमारा? अरे ये देख रही है नानी जी, समझाइए अपने घर वालों को, नहीं तो सच में मधु आंटी आप लोगों को घर से बाहर निकाल देंगे। जल्दी कीजिए नानी जी, कहीं देर हो गई तो फिर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। चल बात कैश, ये हमारा हुक्म है, कोई हमारे नाती आदित्य को इस घर से जाने के लिए नहीं कहेगा। आज से वो इसी घर में रहेगा। इस पूरे घर में एक आप ही समझदार हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, तुमसे दूर रह पाना अब नामुमकिन है मेरे लिए। अंजलि मेरी पत्नी है, पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, मेरी पत्नी से दूर रहे। जबान संभाल कर बात कर यार, ये मेरी बेटी प्रिया का बेटा है, इसका भी इस घर पे उतना ही हक है जितना तुम्हारा, अब ये कहीं नहीं जाएगा। बड़ी दादी आश, बेटा शांत हो जा तू, हम आराम से बात करेंगे ना इस बारे में, अभी तू अंदर जा। अंजलि बेटा तू भी अंदर जा। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।